हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने एबीईओ पेपर टू में यूनिट फोर स्टार्ट किया था और यूनिट फोर में हम देख रहे थे डेलॉस कमीशन रिपोर्ट, डेलॉर आयोग की रिपोर्ट हम देख रहे थे। किस टॉपिक के अंतर्गत हम इस रिपोर्ट को देख रहे थे, इस आयोग की रिपोर्ट को देख रहे थे, तो आपके सिलेबस में दिया है शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी इन एजुकेशन, तो उसके अंतर्गत हम डेलॉर आयोग की रिपोर्ट को देख रहे थे, जिसका हमने तीन पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हमें पार्ट फोर देखना है। तो बाकी के लेक्चर आपको मिलेंगे कहाँ? तो बाकी के लेक्चर आपको ABEO नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ आप जाकर के विजिट करेंगे, आपको सभी लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी ABEO पेपर टू के लेक्चर अब तक हमने देखे हैं। साथ में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पहले क्या देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि डेलॉर आयोग है, डेलॉर आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता की बात की है, और शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हुए इन्होंने चार स्तंभ को बताया है, फोर पिलर्स बताए हैं शिक्षा के। तो आज जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आप लिख लीजिए, डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना है, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं शिक्षा के कौन से वो चार स्तंभ हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है शिक्षा के चार स्तंभ निम्न में से कौन है, या फिर पूछ लिया जाएगा डेलॉर आयोग के अनुसार शिक्षा के चार स्तंभ कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया और हम आज क्या देखने जा रहे हैं ये भी समझ में आ गया। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फ्री इनिशिएटिव को ज़रूर पहुंचाइएगा, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आज हम देखने जा रहे हैं डेलॉर आयोग ने जो शिक्षा के चार स्तंभ दिए हैं। अब देख लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, या फिर बोला जाएगा कि फोर पिलर्स ऑफ डेलॉर कमीशन क्या है। शिक्षा के चार स्तंभ पूछ लिया गया तो भी वही आंसर बनेगा, और डेलॉर आयोग के चार स्तंभ कौन से हैं तो वो भी वही आंसर बनेगा, या फिर पूछ लिया जाएगा डेलॉर आयोग ने शिक्षा के कौन से चार स्तंभ सुझाए हैं तो भी वही आंसर बनेगा। समझ में आ गया टॉपिक? स्टार्ट करें हम लोग। चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को, आप सभी बढ़िया से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए ला रहे हैं मेगा डिस्काउंट ऑफर हम लाए हैं, और मेगा डिस्काउंट ऑफर ये है सारथी बैच में। ये सारथी क्या है? तो ये सारथी है आपका ABEO पेपर वन। ABEO पेपर वन के कोर्स का नाम है सारथी, जिस पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप लोगों को दिया जा रहा है 70% का डिस्काउंट, 70% ऑफ है, क्योंकि इसका प्राइस जो है 4999 है, और 4999 में यदि हम 70% ऑफ, जैसा कि सारथी में दिया जा रहा है, और ये कोर्स आपको मात्र और मात्र 1499 में पड़ेगा। तो ये लिमिटेड ऑफर है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऑफर जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाया गया था, उसको एक्सटेंड किया गया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य तक, जिसका एक्सटेंशन केवल और केवल 19 तारीख तक था, यानी कि कल तक था, 19 अगस्त तक। लेकिन ये आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, जिससे आप लोग इस कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करवा सके, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस है, जो कि आप सभी अफोर्ड कर सकते हैं ABEO पेपर वन के लिए। और ABEO पेपर वन के लिए आप ये समझ जाइए कि आपकी, यानी कि CGPSC की कंप्लीट तैयारी अब हो जा रही है इसमें। यदि आप CGPSC या फिर किसी अन्य राज्य का कोई भी स्टेट PCS देना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी आपके
आप सारथी बैच में यदि आप एनरोलमेंट करवाते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी ठीक, क्योंकि इसमें आपको इंडिया जीएस पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है यानी कि सी सेट का पोर्शन पढ़ना है, इंडिया जीएस पढ़ना है, साथ में आपको सी जी जीएस भी पढ़ना है। तो ये सभी और सभी कोर्स की तैयारी आपको मात्र और मात्र 1499 में करवाई जा रही है। तो जल्द से जल्द अपनी सीट्स बुक कर दीजिए, क्योंकि ये प्राइस जो है ये लिमिटेड है और ये ऑफर भी लिमिटेड है, जो कि डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। जब भी इंक्रीज़ हो जाए, जब आपको पता चल रहा है, जब आपको लग रहा है कि अब हमें एनरोलमेंट करवा लेना चाहिए और प्राइस यदि इंक्रीज़ होगा तो आपको फिर बढ़े हुए प्राइस में ये कोर्स मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप इच्छुक हैं पढ़ने के लिए तो बिल्कुल आप अपना एनरोलमेंट करवा लीजिए इस सारथी बैच में ठीक है। साथ में आप ABEO पेपर 2 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ABEO पेपर 2 में भी डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। आप यदि मोबाइल ऐप को डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ABEO पेपर 2 में क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है ठीक है। तो उसके लिए आपको मोबाइल ऐप को विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या है डिस्काउंट आप लोगों के लिए। स्पेशल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये सभी स्पेशल ऑफर दिए जा रहे हैं आप लोगों को ठीक, जिससे आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसलिए आप लोगों को केंद्र में रखते हुए, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। संगवारी बैच चल रहा है। संगवारी बैच क्या है? तो संगवारी बैच वो है कि जो कोई भी वीडियो कोर्स नहीं लेना चाहते और केवल PDF चाहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि बुक चाहते थे तो बुक हम नहीं ला पा रहे हैं, तो उसकी जगह हम PDF कोर्स हमने लॉन्च किया है और जिसका प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखा गया है 799, जो कि लिमिटेड ऑफ़र, अगेन ये भी लिमिटेड ऑफ़र है, केवल और केवल 200 बच्चों के लिए है। तो जो कोई भी यदि संगवारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल संगवारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि केवल ABEO पेपर 2 का PDF कोर्स है। तो यदि आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी बिना किसी रोक टोक के और बाधित ना हो किसी भी प्रकार से, तो बिल्कुल आप इन कोर्सेस में अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ थोड़ी सी जानकारी रही जो कि मुझे आशा है कि आप लोगों के लाभ की ये जानकारी है। फिर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में, जहाँ पर हमें देखना है कि आयोग ने कौन कौन से चार स्तंभ सुझाए हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं। इन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ कमीशन देयर विल बी 4 बेसिस ऑफ एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था डेल और आयोग की बातें, तो आपको तभी समझ में आएगी जब आपके थोड़े विचार, आपकी जो थोड़े आपके दृष्टिकोण हैं, थोड़े दार्शनिक होंगे, फिलोसफिकल, इनके पॉइंट से फिलोसफिकल हैं, तो वैसे ही आपको उस तरीके की मानसिकता, उस तरीके के दृष्टिकोण से आपको ये टॉपिक को समझना पड़ेगा ठीक है। तो आयोग की दृष्टि से 21वीं सदी में शिक्षा के चार आधार हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि शिक्षा के चार स्तंभ हैं। शिक्षा के चार स्तंभ हैं आयोग की दृष्टि से। वो कौन कौन से स्तंभ हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। पहला स्तंभ है लर्निंग टू नो, दूसरा है लर्निंग टू डू, तीसरा है लर्निंग टू बी, और चौथा है लर्निंग टू लीव टूगेदर। एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। पहली बात, चार स्तंभ कौन से हैं? जानना सीखना, दूसरा क्या है करना सीखना, तीसरा क्या है बनना सीखना, और चौथा क्या है एक साथ रहना सीखना। अब आप लोग को लग रहा होगा ये क्या सीखना सीखना बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, इंटरेस्टिंग आप बोल रहे हो लेकिन इंटरेस्टिंग हमें लग नहीं रहा है। बिल्कुल लगेगा, बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है, अटेंड कीजिए। पहला है लर्निंग टू नो, जानना सीखना। जानना सीखना, क्या जाने हम, क्या जाने, क्या जाने हम, ये जाने कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मतलब, अरे ये बताओ बॉलीवुड में क्या चल रहा है, अरे ये बताओ आजकल ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, अरे ये बताओ आजकल ना सोशल मीडिया में कौन सी न्यूज़ वायरल हो रही है, क्या यही जानना है हमको, यही हमारी लाइफ है क्या, केवल इतनी तक सिमट जाए हमारी लाइफ, केवल इतना बस हम जाने, तो नहीं। डेल और आयोग के अनुसार इतना बस, इतनी बस हमारी ज़िंदगी नहीं है, केवल हम इतना जान लिए वाह आज को सोशल मीडिया में ना ये ट्रेंड हो रहा है, सबके पास वीडियो ये वाला पहुंच गया, न्यूज़ ये वाला पहुंच गया, हमारे तक अब तक नहीं पहुंचा, कब पहुंचेगा, हमारे तक भी पहुंच गया, हम भी बड़े खुश हो गए कि अच्छा ये वाली न्यूज़ है क्या, अच्छा ये है, ये नहीं जानना है तो क्या जानना है,
आइए जानते हैं, समझते हैं। तो डेलॉस कमीशन की राय में वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली तीव्र परिवर्तनों को समझना और तदनुसार कार्य करने के लिए कौशल विकसित करना आगामी 21वीं शताब्दी की इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक हो जाएगी। इन्होंने क्या बताया? आपको केवल ये नहीं जानना है कि बॉलीवुड में कौन कहाँ 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 जा रहा है, कहाँ पे वेकेशन मना रहा है, किसकी किससे शादी हो रही, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं जानना आपको। डेली सोप्स में क्या हो रहे हैं, ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या वायरल हो रहा है, इतना बस नहीं जानना है। केवल आपको इंस्टाग्राम में केवल स्क्रॉल नहीं करना है, ये सब आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है। आप अपने लाभ का जानिए ना, आपके लाभ का क्या है। तो जैसे ही जैसा कि हम देख रहे हैं तकनीकी परिवर्तन आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है, सब चीज का, यानी कि इतना ज़्यादा तकनीकी विकास हो रहा है। तो उसके लिए क्या बताया गया है, इन द व्यू ऑफ डेलॉस कमीशन टू अंडरस्टैंड द फास्ट चेंजेस हैपनिंग, जो इतने जो तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से और सोशल प्रोसेस की वजह से। तीव्र परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, तो वैज्ञानिक प्रगति के कारण, सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या, यदि हमें हमें इनके साथ चलना है तो हमें भी वो कौशल आने चाहिए, हमें भी आना चाहिए, हमें भी वो स्किल कल्टीवेट हमको करना पड़ेगा जिससे हम अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। अदरवाइज क्या कर दिया, आने वाले समय में रोबोट बोला जाता है कि रोबोट जो है जगह ले लेगा मानवों का, तो हमें क्या करना है, हमें रोबोटिक्स सीख लेना, हम रोबोटिक्स सीख लें, हम क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्सपर्ट हो जाएं, हम लैंग्वेज सीख लें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कर लें, यानी कि जो हमें पता है कि ये परिवर्तन आएंगे, आने वाले हैं, हमें कंप्यूटर नहीं आता है कोई बात नहीं, हम इसकी नॉलेज ले लेते हैं ना, हम इसकी लैंग्वेज सीख लेते हैं, हम एमएस ऑफिस सीख लेते हैं जिसमें हमको, हमें पता है कि बेसिक वर्क तो इसमें हमें करनी ही है, हम इसके बारे में जानकारी, हम एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक्स सीख लें, जो कि बिल्कुल एकदम लाभदायक है, बिल्कुल लाभ का है ये हमारे, क्योंकि कोई भी बोलेगा, कहीं भी जाएंगे बोलेगा ये चीज आता है, नहीं हमें नहीं आता, तो फिर वो जानिए, वो सीखिए, कौशल विकसित करो। समझ में आया, ये डेलॉर आयोग ने बताया और डेलॉर आयोग ने बताया और इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है आने वाले 21वीं सदी में, जो कि आज हम देख रहे हैं, है कि नहीं आवश्यकता, बिल्कुल है आवश्यकता। ठीक, फिर इन्होंने क्या बोला, उसके लिए क्या करना है हमें, तो बुनियादी शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। हम कैसे कौशल विकसित करेंगे, जब हमें थोड़ी नॉलेज होगी तब तो करेंगे ना, जब बेसिक एजुकेशन जब हमें होगी तब तो करोगे आप, नहीं तो कहाँ से होगा, कुछ होगा क्या, नहीं होगा। पर्टिकुलर एजुकेशन शुड फॉलो बेसिक एजुकेशन, ये जो बुनियादी शिक्षा आपने ग्रहण की, अब जब विशिष्ट शिक्षा आप लेने जा रहे हो तो विशिष्ट शिक्षा क्या है, तो इस बुनियादी शिक्षा का ही तो पालन करेगी। ABCD नहीं सीखे और डायरेक्टली आप एरोप्लेन एप्पल सीखने चले हो, सीख पाओगे क्या, नहीं सीख पाओगे। बेसिक की सीखो, एमएस ऑफिस से स्टार्ट करो, वर्ड सीखो, पावर पॉइंट सीखो, एक्सेल सीखो, फिर उसके बाद में लैंग्वेज में जाओ, लैंग्वेज के बाद में और जो भी, यानी कि आपको पता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सब चीज, यानी कि जो जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का कहना है, जो एक भारत की सोच है डिजिटल इंडिया, हर चीज डिजिटल होता जा रहा है, घर बैठे आप हर चीज को एक्सेस कर पा रहे हो, उसकी स्किल तो आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, बुनियादी शिक्षा। और ये बुनियादी शिक्षा जब हम अब विशिष्ट शिक्षा लेने जाएंगे तो इस बुनियादी शिक्षा का ही तो पालन करनी चाहिए, वो करनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करेगी ही। और क्या कहा है आयोग ने, तो कमीशन रिकमेंड्स डेट लर्निंग टू नो, बहुत ध्यान से सुनना है ना, लर्निंग टू नो, जानना सीखना, कैन बी गेन्ड बाय कंबाइनिंग द इनफ ब्रॉड जनरल नॉलेज विद द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बॉटम ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। क्या बताया इन्होंने, तो आयोग का सुझाव है कि
कुछ विषयों पर गहराई से काम करने के अवसर को पर्याप्त व्यापक सामान्य ज्ञान के साथ जोड़कर ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कैसे जाने, कैसे ज्ञान अर्जित करें, इन्होंने वो भी रास्ता भी सुझा दिया कैसे करोगे। तो आपको विशिष्ट शिक्षा लेनी है, कुछ विषयों को आपको गहराई से पढ़ना है, तो पहली बात तो आपके पास अवसर होने, यानी कि पर्याप्त व्यापक उसका आप पहले सामान्य ज्ञान अर्जित कर लीजिए कि क्या है कंप्यूटर, क्या है ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे, इंटरनेट क्या होता है, फिर उसके बाद में एंटीवायरस क्या होता है, एमएस ऑफिस क्या होता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद में जाइए, अच्छा सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, फिर उसके बाद जावा क्या होता है, पीएचपी क्या होता है, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कोर्स आजकल होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ग्राफिक्स सिखाई जाती, ये सब क्या होता है। फिर जाइए उसमें सामान्य ज्ञान अर्जित कर लीजिए, फिर उसके बाद विशिष्ट ज्ञान के अर्जन में जाइए। उन्होंने बोले तकनीकी, जो कि तकनीकी की वजह से जो इतना तेज गति से जो परिवर्तन होगा, तो उसको आप कैसे अर्जन कर पाओगे, उसके लिए आप कौशल कैसे अर्जित कर पाओगे, पहले सामान्य ज्ञान के साथ में जब आपको आपको अवसर भी मिल रहे हैं तो उसके साथ में आप ऐसा करो, विशिष्ट अध्ययन के लिए आप सामान्य ज्ञान का सहारा लो, सामान्य ज्ञान की मदद से आप इस विशिष्ट ज्ञान का भी अर्जन कर सकोगे, और उसके साथ में जोड़ करके आप जानोगे, आप ये जान पाओगे कि हमें जानना क्या है, ज्ञान अर्जन कैसे होगा। तो इन्होंने सुझाव भी दे दिया। इन द ओपिनियन ऑफ द कमीशन द चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड इन लर्निंग मेथड्स Especially in focusing, concentration, memorizing and thinking, and this task should be start right from infancy. आयुग की दृष्टि से बच्चों को सीखने के तौर पर एकाग्रता, स्मरण और सोच पर ध्यान देने के तरीके में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, और इस कार्य को बचपन से ही शुरू किया जाना चाहिए। एकाग्रता पर इन्होंने बल दिया, स्मरण पे इन्होंने बल दिया, सोच पर इन्होंने बल दिया। आज के डेट में हमें पता ही नहीं है हमें सोचना क्या है, हम बेफालतू की चीजें सोचते हैं, एग्जाम होगा नहीं होगा, कौन सी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर, हम बेफालतू की चीजें सोचते हैं। हम कभी अपने बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हम ना टाइम वेस्ट ना करें और अपना समय ना इस तरीके से बांट दें, और उसमें इस समय में हम ये पढ़ें, इस समय में ये पढ़ें, यहाँ पे अभी ये करना, समय नहीं मिल रहा है, आप व्यस्त हो, टाइम आपको आपको पता है कि हमें ये चीज़ को करना है, आपने अपना समय पूरा उस पर लगा के रखा है, आप बेफालतू की चीज़ें आप नहीं सोच रहे हो, और सोच भी रहे हो तो कुछ ना कुछ सकारात्मक और कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो कि करें क्या, कैसे करना है, क्या करना है, ये चीज कुछ अच्छी चीजें ही आप सोच रहे हो, हमें सोचना ही नहीं आता। तो इन्होंने बताया सोचना सीखिए, इन्होंने बताया स्मरण शक्ति, कुछ भी पढ़े वो याद होना चाहिए कि नहीं, कि हम आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो रहा है, यानी कि पढ़ के आए कुछ, इतनी दिन से हमने लेक्चर अटेंड भले ही कर लिया लेकिन याद कुछ नहीं है, हमें याद कुछ नहीं है, हमने ना कभी क्योंकि एकाग्रता से किसी चीज को जानना हमने कोशिश नहीं किया, एकाग्रता हमारे मन में तो लग रहा था अभी ये चैनल देख रहे हैं, उसके बाद में देखते कि बाकी चैनल में क्या हो रहा है, बाकी चैनल में क्या हो रहा है, एक बार ना स्क्रॉल कर लेते हैं, ऐसा करते हैं इंस्टा में देख लेते हैं किसका स्टेटस आया है, किसका क्या चल रहा है, व्हाट्सअप में किसने क्या स्टेटस डाला उसको एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार ही तो है, एक बार ही जाएंगे, थोड़ी देर में 5 मिनट में ऑफ कर देंगे, अब वो आपका 5 मिनट पता चल रहा है आपके 2 घंटे में परिवर्तित हो गया, ओहो 2 घंटा निकल गया, अभी भी आज का दिन तो पूरा बर्बाद चला, चलो अभी सो जाते हैं, कल सवेरे से उठ के पढ़, सवेरे उठ रहे हैं, सवेरे हमसे उठा ही नहीं जा रहा है, ओहो आज फिर से नहीं उठ पाए, यानी कि हमें पता ही नहीं, हमें एकाग्र हम तो है ही नहीं, हमें कुछ चीज याद ही नहीं है, स्मरण ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम एकाग्रता से पढ़ नहीं रहे, क्यों, क्योंकि हमें सोचना ही नहीं आता ना, सोचें क्या हम बेफालतू की चीजें सोचते हैं। तो ये सभी चीजें हम सीखेंगे कैसे, जब हमें इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा, जब हमें इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा, और प्रशिक्षित के लिए ये कार्य कब करना है, बुढ़ापे में नहीं तो कब करना है, बचपन से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, स्कूल डेज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, कि किस तरीके से हम एकाग्र बने,
किस तरीके से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, हमें सोचना क्या है, ये कब से आना है, तो बचपन से ही चालू कर देना है। ये कौन बोल रहा है, तो आयोग बोल रहा है। क्यों, किसके अंतर्गत बोला गया है, लर्निंग टू नो, जानना सीखना है ना, क्या जानना है, उसके लिए जरूरी है ना, समझ में आया। इन द ओपिनियन ऑफ द कमीशन दीज आर द टेक्निक्स ऑफ लर्निंग विच कैन हेल्प लर्न लाइफ लॉन्ग। सीखना है ना, तो इन्होंने क्या बताया, आयोग की दृष्टि से शिक्षण के ऐसे तरीके हैं जिनसे आजीवन सीखने में मदद मिल सकती है। जब हमें ये पता है हमारी सोच कहाँ जा रही है, सोच अच्छी होनी चाहिए हमारी, सकारात्मक सोच, नकारात्मक तो बिल्कुल अपनी लाइफ में सोचना नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्या होगा क्या नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान जी ने हमारे लिए अच्छाई, जो भी भगवान जी करेंगे सब अच्छा होने वाला है हमारे साथ में, हम अपना कर्म करेंगे और वो भी अच्छे तरीके से करेंगे, ये सोचो। कर्म करना है, अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है। पढ़ाई कर रहे हैं ना, अपना बेस्ट देंगे, जिस दिन नौकरी करने जाएंगे वहां पे भी हम अपना बेस्ट देंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि सोचना आ गया ना, अच्छा करना है, बस अपना अच्छा करना है, तुलना नहीं करनी है, ये इसने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, नहीं। आप कितना कर सकते हो, आप 4 घंटा पढ़ सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो, दूसरा व्यक्ति 8 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है पढ़े, हमारे पास कितना समय था, 4 घंटा था, हमने 4 घंटा पढ़ा क्या, हाँ बिल्कुल हमने 4 घंटे पढ़ लिए, सेटिस्फाइड, आपके पास 4 घंटे था ना, आपने उसको यूटिलाइज किया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूटिलाइज किया, आपका वो 4 घंटे में निकल जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन आपको वो 4 घंटे आपके बेहतरीन होने चाहिए, आप एकाग्रता से पढ़ रहे हो, आपकी स्मरण शक्ति, आपने जो चीजें पढ़ा 2 घंटे में रिवाइज, 1 घंटा रिवीजन को दे दो या फिर 10 मिनट रिवीजन को दे दो, बाकी चीज में बाकी कुछ नया पढ़ो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, उस समय आप बेफालतू की चीजें नहीं, ये नहीं कि स्क्रॉल कर लेंगे एक बार देख लें क्या इसमें क्या चल रहा है, इंस्टा में क्या है, व्हाट्सएप में क्या, यूट्यूब में क्या, नहीं, पढ़ने बैठे हो ना, पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं करोगे, ये चीजें आपको आजीवन सीखने में मदद करने वाली हैं, चाहे जिस भी जिस उम्र में पहुंच जाओ, जो सीखना है उस समय वो सीख सकोगे, यदि ये चीज आ गया, और ये आयोग ने बताया है, किसने बताया, आयोग ने ऐसा बताया है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। लर्निंग टू नो हेल्प्स पर्सन टू, ये जानना सीखना हमें क्यों मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, यदि हम ये जान गए कि हमें जानना क्या है तो वो किस तरीके से हमारी मदद करेगा, तो इंक्रीज वैल्यूज एंड स्किल फॉर रेस्पेक्टिंग एंड सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड विजडम। यदि हमें ये पता है कि हमें ये जानना है तो होगा क्या, तो ज्ञान और ज्ञान के सम्मान और खोज के लिए मूल्यों और कौशल को विकसित करेगा। यदि आपको ये पता है कि मुझे जो है सर्च क्या करना है, ABEO पेपर टू को मुझे सर्च करना है, ये जानना है मुझे, इसके बारे में कौन से वीडियो क्या डाले, ये जानना है मुझे, बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। उसके अलावा व्यर्थ की चीजें आपको नहीं जाननी, आपका टारगेट सेट है मुझे ना पेपर टू की, अभी मैं पेपर टू पढ़ने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, मुझे इसके बारे में जो भी जानकारी मिल रही मैं उसको ग्रहण करूंगा या करूंगी, आप ले रहे हैं, आपको पता है कि मुझे जानना क्या है, आप उसके अनुसार आप अपनी कौशल विकसित करोगे, आप उसके अनुसार पढ़ाई करोगे। टू लर्न एंड स्किल टू डिस्कवर, जानने और खोजने में ये हमारी मदद करती है। अच्छा, अभी ये लेक्चर 1 हुआ क्या, लेक्चर 2 भी है क्या, लेक्चर 3 भी है क्या, इसके अलावा और कितने लेक्चर्स हो चुके, अच्छा इतने लेक्चर हो गए, अभी तो मैंने ये सब जाना नहीं, यानी कि आपको पता है कि आपको जानना क्या है, बिल्कुल पता है, उसके बाद में आप कहाँ चल रहे हो, लाइन से चलते जा रहे हो, यानी कि खोज कर रहा है बिल्कुल, अच्छा ये डले हैं क्या, ये वाला लेक्चर डला है, ये टॉपिक करवाया गया क्या, ये टॉपिक हुआ है क्या, बाकी कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको पता है, आपका टारगेट सेट है, आयोग के अनुसार ये सब हो रहा है। चीजें याद कैसे होंगी, जब अपने आप से रिलेट करोगे, आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो ये, आयोग की बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिसको बातें समझ में नहीं आ रही आयोग की, सब बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, ठीक। फिर उसके बाद आयोग क्या बोलता है कि पूरे जीवन में सीखने के लिए एक रुचि प्राप्त करें और महत्वपूर्ण सोच विकसित करें,
एक रुचि, कुछ चीज जानना है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का मन होना चाहिए आपका। अच्छा ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या है, आखिर क्या है ये, क्यों है ये, कैसे हमारा ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी एक जिज्ञासु मन तो बनाइए और पूरी प्रकृति आपकी मदद करेगी। कैसे मदद नहीं करेगी, बिल्कुल मदद करेगी। मांगिए तो यूनिवर्स से, मांगा जाता है, मांगा जाता है कि नहीं, बिल्कुल मुझे ये चीज जानना है। क्यों नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमें पता होना चाहिए, एक बार आए तो हमें जानना तो आए कि किस तरीके से जानूं, क्या मैं क्या जानूं, मैं वो चीज नहीं जो अब तक मैं जानता आया हूं या जानना चाहता हूं। बॉलीवुड में क्या चल रहा है देख लें क्या, एक बार नहीं देख लें, आपकी लाइफ आपको मदद नहीं करने वाली, वो मत देखो। रियली है, ये रियलिटी है, जानो ये चीज को, समझो। वो आपको मदद नहीं करेगी, आगे नहीं पहुंचाएगी आपको, मतलब कि दाना पानी देने वो न्यूज नहीं आएगी आपको। अपने कौशल का, अपना कौशल विकसित कीजिए जिससे जो आपको आपके जीवन में मदद करे। ऑब्टेन अ टेस्ट फॉर लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, महत्वपूर्ण सोच विकसित, कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हम ये चीज़ को कर सकते हैं, कैसे हम में ना अभी छोटी सी चीज़ हमें आती, क्या हम इसको और बड़ा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल एकदम रुचि पैदा करते रहो अपने जीवन में। फिर ऑप्टेन टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए उपकरण प्राप्त करें, यानी कि ये कैसे, जब हमको पता है कि हमें ये जानना है, हमें ये जानना है, लर्निंग टू नो, वो हमारी मदद करेगी कि हम कैसे विश्व को जाने। अच्छा कैसे बैठे बैठे व्यक्ति कैसे ये काम कर ले रहा है, घर में बैठे ये हो कैसे रहा है, आखिर कौन से रहा? थोड़ा हम सर्च करते हैं, इसके बारे में सर्च करते हैं, कैसे ये, यदि हम मान के हम पंखा भी देख रहे हैं, अच्छा ये हो क्या रहा है, इसमें एग्जैक्टली वर्क क्या हो रहा है, ये पंखा क्यों घूम रहा है, कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली है क्या, थोड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति बनी, ये क्या है, कैसा है, समझ में आ रहा है। तो दुनिया को भी जानने की एक समझ विकसित होगी कि अच्छा ये है एग्जैक्टली, मतलब कि लोग इतनी मतलब उपलब्धियां कैसे अर्जित कर पाए हैं, क्या वो भी हमारी तरह से ये, क्या उनको उनका वो भी ये सब टाइम पास करते हैं। आज इलॉन मस्क इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल कर लिया, कैसे ये लोग इतने बड़े बड़े मतलब कि यूनिकॉर्न्स बने हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो सिंपल से उनको पता है कि उनको क्या जानना है, वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ना हमारी तरह। फिर क्या है, मेक अ क्यूरियस माइंड लर्नर, जब हमें ये पता है ना कि हमें ये जानना है, तो हमेशा हमारा मन क्या होगा, तो जिज्ञासु मन होगा हमारा, क्या होगा, जिज्ञासु मन होगा। हम कैसे और चीज इसमें और कैसे ऐड कर सकते हैं, और कैसे ऐड करें, और क्या करें, कुछ ना कुछ हम नया चीज सीखते जाएंगे। फिर क्या है, अंडरस्टैंड सस्टेनेबिलिटी आइडियाज एंड इशू, स्थिरता अवधारणाओं और मुद्दों को समझ विकसित होगी, यानी कि अवधारणाएं आपकी बनेगी जो कि बिल्कुल क्या रहने वाली है कि डिफरेंट। यदि आपके सामने यदि कुछ चीज आया है, कुछ मुद्दे आए, कुछ विचार आए हैं, कुछ चीज आया है, तो वहां पे अब आपको नॉलेज ही नहीं है ना कि हो क्या रहा है, तो उसमें आपके विचार आप वहां पे व्यक्त नहीं कर पाओगे। जब आपको पता है कि अच्छा ये बताओ कि ये कैसे डिजिटल इंडिया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया, वो हमें किस तरीके से मदद करेगा, बिल्कुल मदद करेगा, कैसे मदद नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए हमारी पढ़ाई बाधित नहीं रही कोविड के दौरान में, बिल्कुल क्लासेस चल रही थी ठीक। फिर उसके बाद में कितनी सारी मतलब कि ऑनलाइन में पूरी क्लासेस शिफ्ट हो गई, ऑनलाइन क्लासेस आज हम घर बैठे पढ़ पा रहे हैं, यूट्यूब का इतना ज़्यादा हम प्रयोग कर पा रहे हैं, हम ऐप से पढ़ाई कर पाते हैं, पहले जो चीज़ उपलब्ध नहीं होती थी, यानी कि अब चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं, यानी कि आप वहाँ पे अपने विचार तो व्यक्त कर पाए। और यदि आपको पता ही नहीं है, यदि आप यूट्यूब को यूज़ करना नहीं जानते, आपको तो पता ही नहीं होता ना कि ABO नाम से कोई पेपर भी होता है जिसकी वैकेंसी आने वाली है, आपको तो पता नहीं होता। आपने सोचा कि सर्च करते हैं कुछ कि कौन सी अभी रीसेंट वैकेंसी है, क्या है क्या नहीं, तभी तो आपको पता चला ना। आपको पता है कि मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है अपनी लाइफ, आपने जाना कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, ये तो जान गए ना, ये चीज तो एटलीस्ट जाने कि क्या करूं, जब क्या करूं तो इसीलिए तो बैठे हो, इसीलिए तो सुन रहे हो ना, नहीं तो क्यों सुनते। बनना है ना कुछ, तो जानना है उसके लिए कि ABO पेपर 2 आखिर है क्या, इसके बारे में कुछ तो पता चल जाए मुझे, कुछ तो पढ़ लूं, समझ में आया ठीक।
तो हमने क्या देखा, पहला स्तंभ देखा। मैंने क्या बोला था, फिलोसॉफिकल माइंड से सुनना, दार्शनिक आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए। जानना है, क्या जानना है, जो अब तक जानते हैं उसको नहीं जानना है, अलग जानना है, जो आपको हेल्प करने वाला है, जो आपको आपके जीवन में उपलब्धि हासिल करवाएगा, जो आपको आपके मुकाम को हासिल करने में मदद करे, उसको जानिए। व्यर्थ की चीजें जानोगे केवल और केवल अपना कीमती समय व्यर्थ करोगे। ठीक है, इसी के साथ में आज के लेक्चर को एंड करूंगी। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फ्री इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सारथी बैच जो कि लिमिटेड ऑफर है, ज़रूर आप एनरोलमेंट उसमें करवा लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके। साथ में संगवारी बैच में भी आप लोग एनरोलमेंट करवा सकते हो। साथ में ABO पेपर 2 में भी अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, तो उसमें भी आप लोग एनरोलमेंट करवा करके अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हो। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।